बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे एजुकेशन और आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है एजुकेशन में, उस पे हम बात करेंगे। पहली तो बात ये है कि पिछले दिनों फिर रिपोर्ट आई है कि 2,70,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात हो रही है, यानी कि वो क्लास वन में गए या टू में गए और उसके बाद छोड़ दिया। जो बिल्कुल नहीं गए वो एक अलग है, वो 3,30,00,000 वो अलग हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं। अब इनको अगर हमने वापस स्कूल में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या हमें एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस लाएं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाए। और एजुकेशन जब तक आपकी बेहतर नहीं होगी, मुल्क आपका तरक्की नहीं कर सकता। तो एजुकेशन पे हमें स्पेशल फोकस करना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे बजट भी बढ़ाना चाहिए। पिछले 75 साल में तो बजट इतना कोई नहीं बढ़ा, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो उससे सीरियसनेस शो होती है किसी भी हुकूमत की कि वो कितनी सीरियस है इस पे। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर हिला अल करीम, इनकी अल करीम फाउंडेशन है, चेयरपर्सन है उसकी, और काफ़ी सारे ऐसे काम कर रही हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एजुकेशन से हट के भी सोशल सेक्टर में भी। उसके साथ प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, फाउंडर चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और चेयरपर्सन कितास इन्होंने खुद लॉन्च किया है और उसमें भी ये काफ़ी काम कर रहे हैं और कुछ स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं, कुछ और काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर हिला, आप इस तरफ कैसे आई, किस चीज़ ने आपको जो है ना फोर्स किया कि आप ये काम करें सोशल सेक्टर में और ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर? एक्चुअली माय फादर इज़ माय बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। व्हेन आई मेट हिम लास्ट टाइम तो उनको दुबई में उनकी डेथ हुई, सो ही सेड के मैं तुम्हें बड़ी छोटी उम्र में छोड़ के जा रहा हूँ एंड मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ। सो ही यूज़ टू डू लॉट ऑफ चैरिटी, सो बस वो एक दिमाग में रुक गई थी। और तीसरा उनका ड्रीम था कि मैं डिपॉल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरल डिग्री करूँ। सो बस उस दिन से मेरी ज़िंदगी का मिशन था कि मैंने डिपॉल में एडमिशन लेना है, तो वो किया। और उसके साथ मैंने फिर उनके नाम से अल करीम फाउंडेशन बनाई। एक्चुअली इनिशियली मैंने फाउंडेशन नहीं बनाई थी, मैं बस डैडी के नाम से ये काम करती थी कि मैं कुछ गरीबों को खाना खिला देती थी। तो एक दिन चूंकि सोशल मीडिया यू सी लॉट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, सो आई वाज लाइक लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी एंड मैंने एक दिन आके फेसबुक पे लाइव कर दिया एंड दैट डे पीपल्स वॉच मी एंड मुझे एकदम से कॉल्स बम्बार्टमेंट हुई कि तुम इतना अच्छा काम कर रही हो तो हमें भी हिस्सा लेना है। एंड आई वाज लाइक ओके। और वो करते करते इतना बड़ा नेटवर्क हो गया कि मुझे ज़बरदस्ती एनजीओ बनानी पड़ी एंड अल करीम फाउंडेशन फिर बनी। तो उस पर मेरा फोकस था कि मैं बच्चों को एजुकेट करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हर मसले का सिर्फ एक सोल्यूशन है एजुकेशन। एजुकेशन होगी, अल्लाह का खौफ दिल में होगा और सदक़ा जारिया, तो आपकी आखिरत विन विन सिचुएशन में होगी। सो मैंने ये तीन चीज़ों को अपने पल्लू से बांध लिया कि मैंने इन तीन चीज़ों पे काम करना है। सो क्योंकि मैं इस पे बिलीव नहीं करती कि यस हम बहुत बड़ी तादाद में खाना खिलाते हैं, राशन डालते हैं, बट उनको जो बिल्कुल बेड से लगे हुए, जो कि टोटल डिसेबल्ड हैं, डिसेबल्ड बच्चे पैदा हुए हुए, उनको दूध चाहिए, उनको चीज़ें, हम सिर्फ उनको राशन देते हैं। बिकॉज आई डोंट बिलीव के बिठा के बस खिलाना इज़ नॉट मसले का हल। सो वी फोकस ऑन एजुकेशन। सो माशाल्लाह से हमारा जो इदारा है, सो उसमें बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं, हाफिज बनते हैं। दूसरे हमारे फ्लोर पे स्कूल है जिसमें इंग्लिश मीडियम प्रॉपर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, पूरा स्कूल 10th ग्रेड तक उसमें स्कूल जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारा तीसरा इंशाल्लाह on 3rd February we are going to start a free calligraphy school, so Al Karim Calligraphy Institute uski iftitah hai aur inshallah taala phir hum free calligraphy, so usme bhi mera focus ye tha ki I want to kill multiple birds in one shot ke Allah ka kalam hunar ladkiyan ghar baithe paise kama sakti hain to unko environmental other harassment aur face karna nahi padega।
Then I buy swing machines. Again, सिलाई fashion आजकल बहुत इन है market में. तो एक विडो लेडी आराम से घर बैठ के पैसे बना सकती है कपड़े सी के. सो आवर फोकस के औरतों को अपने पैर पे खड़ा करो. और फिर यस, सो माय एम्पावरमेंट डेफिनेशन इज डिफरेंट बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि अल्लाह ताला ने एक यूनिवर्सल रूल बना दिया जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पसली से बीबी हवा हुई, ये रिवर्स भी हो सकता था. तो अल्लाह मियां ने हमें एक यूनिवर्सल रूल डिफाइन कर दिया है कि मर्द हमारा सरबरा है, चाहे वो हमारी टीचर की शक्ल में फादर भाई, उसके अंडर में रह के इस्लामिक पर्सपेक्टिव से एक लेडी क्या कर सकती है अपनी बाउंड्रीज में रह के. सो दिस इज़ हाउ आई मोटिवेट लेडीज़. ये नहीं कि उनको आदमियों से मुकाबला करना है, ये कि आपने आदमियों को शाना बशाना, चाहे वो आपका भाई हो शौहर हो, उनके शाना बशाना आपने उनका साथ देना है. और आपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, आपको सही गलत का पता होना चाहिए. यू शुड नो कि कब आपने अपनी वॉइस रेज करनी है, व्हाट इज़ द राइट वे टू रेज योर वॉइस. सो इसके ऊपर मैं स्पीच टाइम टू टाइम देती रहती हूँ लाइव डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के. सो बट फोकस इज एजुकेशन एंड आई वांटेड टू ब्रिंग दैट चेंज इन पाकिस्तान थ्रू आवर वन प्रोग्राम आई एम वर्किंग ऑन एंड आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम विच इज कनेक्टेड टू द US बेस्ड कंपनी जो कि मेरी प्रोफेसर जो मेरी डॉक्टरल डिग्री की चेयर भी थी उनकी है. एंड शी वॉन्टेड मी अ पार्ट ऑफ इट एंड ब्रिंग दैट प्रोग्राम टू पाकिस्तान. सो उसका मेजर रोल ये होगा उस प्रोग्राम का दैट वी वॉन्ट टू चेंज अवर एजुकेशन सिस्टम टू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जिसके अंदर AI इन्वॉल्व होगा, जिसके अंदर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. बिकॉज आई रिमेम्बर बाई 10th ग्रेड जो मैंने यहाँ से मेरी हाई स्कूलिंग हुई तो मैंने सिर्फ पेपर फिल किया था. मुझे नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता था जॉब कैसे करनी है, मुझे नहीं पता था मुझे लोगों से कैसे हैंडल करना है. तो ये जो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम है बिकॉज इट्स बिन लाइक मोर देन 17 ईयर्स आई एम इन USA शिकागो और मेरी बाकी की सारी एजुकेशन US से है. सो इट्स लाइक अ बिग डिफरेंस कि इट्स लाइक दिस वेयर. तो आई वॉन्ट दैट सिस्टम ओवर हियर तो लड़कियाँ लड़के सब में कॉन्फिडेंस हो. बिकॉज एवरी टाइम आई आउटसोर्स आई हैव अ टीम ओवर हियर. मैंने सारे हाईली क्वालिफाइड जो डिग्री वाले लोग हैं उनको हायर किया बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है मैंने किसी को अडॉप्ट कर लिया बच्चे को. दे डोंट नो नथिंग. सो उनको ट्रेन कर करके मैं हायर लेवल पे लेके आई हूँ. सो उस इन चीज़ों ने मुझे स्पार्क दी कि आई हैव टू डू समथिंग एंड हम ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह लेके आएंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट होंगी कि वी कैन डू समथिंग बेटरमेंट फॉर पाकिस्तान के ये स्कूल्स में आएंगे और स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी. ये जो आपने बात की है कि इवन डिग्री भी है और लेकिन उनको आपको एक तरह से फीड करना पड़ता है, कुछ नहीं पता उनको, ये मेरे लिए भी हैरत की अंगेज बात है कि हम जब एजुकेशन ले रहे थे स्कूल में थे तो तभी से हमारा टारगेट सेट था कि हमने क्या करना है. एग्जैक्टली. तो अब जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, अच्छा जी मैट्रिक कर लेंगे उसके बाद देखेंगे, फिर सोचेंगे, ओ लेवल ए लेवल कर लेंगे उसके बाद सोचेंगे, जब आपका टारगेट ही नहीं है तो आपने एफर्ट क्या करनी है. टारगेट नहीं. और वो थोड़ा सा एक पेरेंटिंग सिस्टम भी ऐसा आया है कि वो तुम्हारी फुप्पी की बच्चे ने फर्स्ट नंबर लाया तो तुम्हें भी लाना है. ये एक अजीब सा सिस्टम है. गलत कंपीट बजाय इसके कि बच्चे में स्किल क्या है वो बाहर आनी चाहिए. एग्जैक्टली. एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड क्या है? वही ना, एप्टीट्यूड पे फोकस ही नहीं. जी डॉक्टर साहब, आपने किताश, हमने आपसे पहले बाकी बातें कर ली, किताश पे आपसे अभी तक सही तरह बात नहीं हुई. ये आइडिया कैसे आया और क्यों इस तरफ आया? किताश स्टैंड्स फॉर खल्दूनिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेस. बिल्कुल. ये इब्ने खल्दून से है. बिल्कुल. इब्ने खल्दून वाज माय फेवरेट राइटर. मैं उसको पढ़ता था. इस्लामिक हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा नाम है. बिल्कुल. बल्कि लोग यूरोपियंस को कहते हैं थी द फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट हु गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी एंड हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड हाउ सोसाइटी इज ग्रो एंड फॉल. उसका एक बहुत बड़ी मशहूर किताब अल मुकद्दमा, उसकी मशहूर किताब जो मुकद्दमा के नाम से. तो ये किताब मैं क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट हूँ बाई ट्रेनिंग, तो जब मुझे नाम सोचना पड़ा तो मैं क्या रखूँ, लोगों ने कहा कि किसी फैमिली के नाम पे रख दो. मैंने कहा नहीं, मैं इसके नाम पे रखूँ. एक और भी इसके पीछे है. हमारे बहुत बड़े स्कॉलर थे, साइंटिस्ट थे,
सोशल साइंटिस्ट करूँ तो डॉक्टर इकबाल अहमद, इकबाल लिखते थे ई से, बिल्कुल वो उनसे मैं मिला था शिकागो में फर्स्ट टाइम, उसके बाद मैं उनको न्यूयॉर्क में मिलता रहा जब मैं न्यूयॉर्क चला गया। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आदमी थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लेकर आए पाकिस्तान और दोस्तों से कहा कि हमें जाके पाकिस्तान में बना रहा हूँ अल दुनिया यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस। मैं एक दो विजिट पे आया था, यूएन में था, देखा तो ये मिनिस्टर के साथ घर में बैठे हुए थे, मिनिस्टर ने मुझे बुला लिया था खाने पे, कलर साहब क्या करेंगे, मेरे प्रोजेक्ट है, मुझे ज़मीन मिल गई है, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। बीरेंद्र भुट्टो के ज़माने का टाइम था। बाद में जब दोबारा नेक्स्ट टाइम उनसे मिला तो कहने वो ज़मीन मिली नहीं मुझे, वो उनके हस्बैंड साहब ने दे नहीं, उसको दिया ही नहीं, कहते बहुत एक्सपेंसिव ज़मीन है। इसी प्रोसेस में बेचारे वो आते जाते रहे और ही डाइड। तो मेरे जहन में ये बात फंसी हुई थी कि कुल दुनिया के नाम से कुछ होना चाहिए, तो मैंने कुल दुनिया इंस्टीट्यूट के नाम से ही शुरू किया। और अल्टीमेटली इसकी यूनिवर्सिटी का प्रपोजल वो यही कुल दुनिया इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड अप्लाइड साइंस के टास्क। तो जबकि मैंने इसको शुरू किया, ज़मीन तो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, 15 साल पहले ली थी ज़मीन, पहले 3 एकड़ थी मेरे पास, कम थी, मेरी बेटी ने मुझे एक एकड़ और दिला दिया, तो 4 एकड़ मेरे पास है, 32 कनाल है, विच मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन। फिर मैंने ये शुरू कर दिया, लेकिन अभी वो तैयार नहीं थी, जल्दी करना चाहता, मैंने फिर किराए की बिल्डिंग शुरू कर दी है फिलहाल, तक वहाँ पर सर एक्सपेरिमेंट करें, तजुर्बा करें, फिर बाई द टाइम वी गेट ये बिल्डिंग रेडी, कैंपस रेडी, तो फिर हम मूव करेंगे। तो पहले देखा जितनी भी बनी है ना, जैसे बीकर नाउस है या लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, सारे पहले शहर में चलते थे। तो शहर में शुरू किया, फिर जाकर उन्होंने कैंपस बनाया। बिल्कुल मेरा भी हिस्ट्री ये है कि शहर में चल रहा है ये, जो कैंपस बनेगा तो ये शहर सिटी कैंपस पड़ा रहेगा, वो हम यूनिवर्सिटी शुरू कर देंगे। लेकिन बाकी ने तो सिटी कैंपस तकरीबन बंद कर दिया, सारे बाहर ले गए। एल एस सी का भी चल रहा है, एल एस सी का एक प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, एल एस सी का एक प्रोग्राम, वही पुराने कैंपस में, वही पुराने कैंपस चल रहा, एक प्रोग्राम चल रहा, वो भी सोशल साइंस का है, राइट, जिसमें उनके जिनके जो भाई साहब है ना, वो आए हुए रियाज समझ नहीं जोशी वाले। अच्छा, तो वही शाम थे ना, पाइट के भाई साहब, बिल्कुल वो मैंने सुना शहर में है, बाकी मूव हो गए, राइट। लेकिन हमारा भी देखते, हमारा 10 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल तो हो गए, बिल्कुल ठीक, जब तक ये बनेगा फिर देखेंगे। लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम वो चीज़, फिर बाद में जब डिस्कशन होती रही कि वाई, मेरे बेटे ने मुझसे बहस की, यू आर सोशियोलॉजिस्ट, नाम रखा आपने खल्दून, वाई यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेस, यू शुड टॉक अबाउट सोशल साइंसेस एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। मैंने कहा जो रिक्वायरमेंट आज की है हमारे नौजवानों की, वो टेक्नोलॉजी की, दे विल स्टडी सोशल साइंसेस बट एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, बट ओवरऑल फोकस जो होगा वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, इसलिए हम इसका नाम, और फिर अप्लाई साइंसेस, खाली केमिस्ट्री बेस फिजिक्स को नहीं पढ़ता, बिल्कुल आजकल पढ़ना चाहिए अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री, और जो पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सारे अप्लाइड फील्ड हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अप्लाइड फील्ड में लोगों को ट्रेन किया जाए। दूसरी बात, अहम बात जिसका पीछे लोग से उसको समझते हैं, इसका नाम रखा है What is the difference between Kuldunya College and other college? मैंने कहा डिग्री प्लस होगा ये। What will be the plus? प्लस होगा उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनकी सोशल, जो कि बहुत जरूरी, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस की, टीम बिल्डिंग की सिखाया जाएगा उनको, और एक लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, और नेटवर्किंग टू आउटसाइड वर्ल्ड कराया जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पर आपके फील्ड में जॉब मिलती हैं, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक ऑफिस होगा तो उनको नेटवर्किंग करके देगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो फील्ड है ना, नर्सिंग, ये फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, इसमें सारे फील्ड में जॉब बहुत हैं बाहर। बिल्कुल है, हेल्थ साइंसेस में, अलाइड हेल्थ साइंसेस खास तौर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत। इसी बात मैंने ये देखा कि आजकल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, कहते हमारे जब तक सर्टिफिकेशन अब हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं करेंगे, हम आपकी डिग्री को मानते नहीं। बिल्कुल, दोबारा आगे डिग्री करें। मैं जब गया था शिकागो, आई डन माय बीएस ऑनर्स एंड मास्टर्स, कहते आपको मास्टर दोबारा करना पड़ेगा, सो आई डिड माय मास्टर दोबारा एजेंसी शिकागो। तो वो यही मसला वहाँ पे ये है कि जब तक आप उनके सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, सिस्टम को, तो डू इट अगेन।
तो व्हाई नॉट वी डू इट हियर, मैंने कहा हमको यहीं आपको ट्रेन करके भेज देते हैं, वही सर्टिफिकेशन यहाँ लेके दे देंगे आप. तो व्हेन यू गो देयर यू ऑलरेडी हैव अ सर्टिफिकेशन विद दोज इंस्टीट्यूशन जो ऑलरेडी जॉब जिनके पास है. तो इसे कम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स की यूथ डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और इस बड़े एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज. बिल्कुल, हमारी सर्विसेज की आईटी बड़ी कम है, बहुत ही कम. जैसे आज बात हो रही है कि 238 बिलियन इंडिया करता है, 260 बिलियन, हमारे पास 9 बिलियन, 5 बिलियन हमारी 5 बिलियन है जिसमें फ्रीलांसर शामिल है. तो हम चाहते हैं इसको बढ़ाया जाए और ये को सीख के लोगों को सिखाया जाए कि ये एक्सपोर्ट करें. तो क्योंकि बगैर एक्सपोर्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पाकिस्तान की इकानमी नहीं ठीक हो सकती, हमारे पास इतनी जॉब क्रिएट कर ही नहीं सकते. तो हमें जॉब क्रिएट करने के साथ साथ जॉब जो प्रोड्यूस करने वाले लड़के उनको ट्रेन करें, अपने अपने बिजनेस करें, लॉन्च स्टार्टअप करें, लेकिन जो बाहर जा सकते बाहर चला जाए, उनको तैयार किया जाए ग्लोबल मार्केट के लिए. तैयार ग्लोबल मार्केट जब तैयार करेंगे, लेकिन फिट हियर एज वेल एज आउटसाइड डिपेंड्स कि उनको जहाँ काम करना है. एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनको अपनी अपना बिजनेस भी कर सकते हैं. तो ओवरऑल इसका मकसद के टास्क का ये कि हम स्किल डेवलपमेंट करें यूथ की, फुल ऑल होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट, नॉट सिर्फ पार्ट टाइम, क्रिटिकल थिंकिंग एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. मैं 2018 में जब सियालकोट से लाहौर वापस आया था तो मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेमिनार्स दिए थे और वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर थे, और उसमें मेरा फोकस ही यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टॉप 10 टेक्नोलॉजीज़ हैं वो फ्यूचर में रिक्वायर्ड हैं. और तमाम मैं ये कहता था कि सिर्फ आईटी के ग्रेजुएट्स नहीं, हर फील्ड में एप्लीकेशन मौजूद है. तो एक स्किल लाजमी लें स्टूडेंट्स. तो उस वक्त स्टूडेंट सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को, लेकिन बाद में फिर वो बिकॉज टेक्नोलॉजी मेक्स लाइफ इजी इन द सेंस. अभी मैंने एक ऐप डाउनलोड की है बिकॉज आई एम ईगर टू लर्न अरेबिक. मेरे ग्रैंड फादर की जबान अरबी थी, तो माई फादर ऑल्सो स्पोक अरेबिक, तो और उससे फिर कुरान भी समझ आएगा. तो एंड इट्स नॉट दैट ईजी विद ऑल दैट स्टफ आई एम डूइंग. तो मुझे एक ऐप पता चली, वो मैंने डाउनलोड किया. उसमें कहा हुआ है कि अगर एवरी डे मैं 5 मिनट्स स्पेंड करती हूँ, और उसमें सारे जो हॉट वर्ड्स है जो कुरान में बहुत दफ़ा यूज हुए हैं, बज वर्ड्स, यू नो, मल्टीपल टाइम्स, तो वो उससे वो स्टार्ट करें. एंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग सम वर्ड्स उसमें इंग्लिश में, तो उसके मीनिंग. तो उसमें कहा हुआ है कि अगर ये पूरी ऐप को मैं लर्न कर लेती हूँ तो 70% कुरान समझ में आने लगेगा. तो कितनी आसानी हो गई. हम ब्रेक के बाद करते हैं डिटेल में बात. नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया. ब्रेक के बाद आके हम प्रोग्राम का दोबारा यहीं से आगाज़ करेंगे. आप मौजूद रहिएगा. वेलकम बैक जी. डॉक्टर रहीला, कुरान पाक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रही थी अब ऐप्स मौजूद हैं. ये 2000 की बात है, जब मैं पाकिस्तान वापस आया था तो एक कराची में मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई. वो एक उस वक्त काम कर रहा था कनाडा में, जो सेंटर इस्लामिक सेंटर बना हुआ, वो चाहते थे उस वक्त एक वेबसाइट बनाएं और कुरान पाक की लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाए. तो उसके ऊपर मैंने उनको काम करके दिया. अब तो ऐप्स आ गई हुई काफ़ी सारी आ गई हैं, बट ये मुझे जिस रेफरेंस आई थी मुझे बड़ी प्रोडक्टिव लगी. और उसमें क्या है, एवरी डे मुझे ठीक रात को 11 बजे, मुझे पता है इस टाइम मुझे कोई बॉदर नहीं करेगा, तो सोने से पहले तो मुझे अलार्म होता है, नोटिफिकेशन आती है, एंड मैं उसको ओपन करती हूँ एंड 3-4 वर्ड्स में याद कर लेती हूँ. अगले दिन मैं उसको दोबारा रिमाइंड करती हूँ. तो उसमें है कि जो वर्ड्स आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली याद हो जाएं तो आप उसको फैमिलियर दबा दें. तो ऐसे करते करते वो कुरान के हर वो वर्ड्स जो मल्टीपल टाइम्स यूज़ हुए हैं और दोज आर लाइक बज वर्ड्स, तो आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस तरह 70% कुरान, तो आई मीन कितना आसान हो गया वर्सेस जो पुराने ज़माने में हम रट्टा लगाते थे और टीचर का प्रेशर होता था, एग्ज़ाम का प्रेशर होता था. ये आप यू नो एट योर ओन लर्निंग पेस यू कैन डू इट. तो मैंने कहा एटलीस्ट मैं इससे स्टार्ट करती हूँ. और फिर उसके बाद एक इंस्टीट्यूट आई हैव सीन ऑनलाइन इन अमेरिका, वहाँ से मेरी प्लानिंग है कि इंशाल्लाह आई विल टेक एडमिशन एंड आई विल टेक क्लासेस. तो एटलीस्ट बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने से बेहतर है कि यू नो समथिंग एंड देन यू कैन, क्योंकि मेरा लर्निंग प्रैक्टिस थोड़ी डिफरेंट है. मेरे साथ क्या है कि मुझे है कि समंदर में छलांग लगा
करा दो, उसके बाद यू हैव नो चॉइस, तो आपने स्विमिंग करनी है. और अगर मैं स्विमिंग करना स्टार्ट, तो वो मुझे थोड़ा हेडेक और हेडेक और वो आपको अंदर एनर्जी नहीं आती. तो मैं हमेशा यही करती हूँ. व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट वेबसाइट प्रोजेक्ट इन माय आईटी बिजनेस, मुझे वेबसाइट बनाने नहीं आती थी, और मैंने इतनी कॉन्फिडेंटली क्लाइंट से बात किया एंड पूरी रात नींद नहीं आई कि अब क्या करना है. बट उसके बाद वेबसाइट बनाने आ गई. व्हेन आई डिड माय फर्स्ट फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, मैंने क्लासेस शुरू की थी और क्लाइंट से ऐसे बात किया, आई एम द नंबर वन टॉप. ऑल्दो मैंने फर्स्ट जीता हुआ था फर्स्ट प्राइज, बट स्टिल वेडिंग फोटोग्राफी उस वक्त की नहीं थी. तो जो वो की, तो वो मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था. देन आई गॉट माई फर्स्ट वेडिंग केक. मैं उस वक्त शेफ की ट्रेनिंग ले रही थी एज अ पेस्ट्री शेफ. तो आई वॉज लाइक, या अल्लाह वेडिंग केक ख़राब ना हो जाए. बट इट वॉज अ ह्यूज हिट. तो वो क्या था, वो जो प्रेशर होता है ना आपका, कि उसमें आपकी रिस्पेक्ट इन्वॉल्व है, ऑनेस्टी इन्वॉल्व है, और आपकी रेप्यूटेशन के आपने वो काम को करना, प्लस चैलेंज एंड मोटिवेशन. सो दैट्स माई लर्निंग स्टाइल. तो मैंने जिन जिन फील्ड्स में भी काम किया, चाहे वो प्रिंट प्रोडक्शन, वेब डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन आई एम सर्टिफाइड इवेंट प्लानर, सो आई डू बिग वेडिंग्स एंड इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स. सो सब में यही था कि मैंने इनिशियली एज अ चैलेंज लिया था. माशाल्लाह काफ़ी अर्सा हो गया करते हुए, तो एक्सपीरियंस हो गया. सो एंड सेम थिंग विद डॉक्टरल डिग्री, मुझे कुछ नहीं पता था APA कैसे लिखना है, क्या करना है. सो फर्स्ट डे इन द क्लास आई वॉज लाइक, ये तो मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है. बट वो डैडी का प्रॉमिस एंड वो माइंड में था, और मैंने कहा नहीं, इसको मैंने करना है. एंड बिफोर व्हेन आई गॉट एडमिटेड इन डिपॉल यूनिवर्सिटी, 3 years व्हेन आई वॉज डूइंग फोटोग्राफी, शेफ ट्रेनिंग, ऑल दैट, मैं एवरी डे डिपॉल की वेबसाइट खोलती थी रात को, और दुआ मांगती थी अल्लाह से, और सो जाती थी. बिकॉज डिपॉल इज़ सो एक्सपेंसिव. तो मुझे ये था कि मुझे लोन नहीं लेना है एंड मुझे इंटरेस्ट नहीं देना है. मैंने ये सब अल्लाह से प्रॉमिस किए हुए थे एंड मैंने सब फुलफिल किए. सो मुझे ये था कि सब कुछ खुद से करना है, नाम बनाना है, और आगे स्पेशली लड़कियों के लिए एग्जांपल बननी है. तो वो बड़ा चैलेंजिंग था, बट एट द सेम टाइम वो अचीवमेंट भी थी, और मज़ा भी आया, और सीखने को बहुत मिला करने, इस तरह करने में. तो वो एवरी 3 years आप वेबसाइट खोलें, प्रॉमिस करें, दुआ मांगे, सो जाएं, ये मैंने किया एंड आई गॉट एडमिटेड फाइनली. दैट्स ग्रेट. अच्छा, लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस की जब बात होती है, तो मैं अक्सर, क्योंकि मैं शुरू से ही इसी पे बिलीव रखता था, और मैं जब UET में पढ़ता था तो मैंने ऑटोकैड खुद ही सीखा और उसको इस्तेमाल भी किया, उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर भी ना, उस जमाने में अभी IT इतनी नहीं थी. फिर लेटर ऑन जब मैंने स्पार्क को ज्वाइन कर लिया और वहाँ स्पेस प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग में भी मैं यही यूज़ कर रहा था. बाद में एक जूनियर बैच आया, तो उस जूनियर में एक लड़का जो था ना, उसका इंटरेस्ट था, तो कुछ अर्सा मैं देखता रहा वो क्या कर रहा है. वो उसकी बुक पकड़ता था, सॉफ्टवेयर सामने खोल लेता था, और कमांड को जो है ना याद करना शुरू, रट्टा लगाना एक तरह से. जो हमारे चंद दिन देखने के बाद मैंने उसको एक ड्राइंग पकड़ाई, मैंने कहा अब तुमने उस बुक को नहीं पकड़ना, ये तुम मुझे जो है ना कल तक ड्रॉ करके दिखाओ. मैंने कहा इसको जब तुम ड्रॉ करोगे, बाकी कमांड्स खुद ही याद हो जाएंगे, टूल एक्सप्लोर, टूल खुद ही एक्सप्लोर हो जाएगा सारा. डेफिनेटली. तो पढ़ाते वक्त भी मैंने, क्योंकि बहुत फिर ऑटोकैड पढ़ाया भी, तो पढ़ाते वक्त भी मैं सब स्टूडेंट्स को यही करता था, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. यही मिसिंग है हमारी पाकिस्तानी एजुकेशन में, जो कि जब मैं अमेरिका आई तो बिग डिफरेंस लगा, कि वहां पे सब प्रैक्टिकल बेस्ड था. There was no even जो मल्टीपल choices हमारा एग्जाम होता था, टीचर 5 मिनट पहले वो गो थ्रू करता था. तो वहाँ पे एग्जाम प्रेशर नहीं था, वहाँ लर्निंग प्रेशर था, दैट यू हैव टू लर्न वर्सेस जस्ट पेपर भर के वो दे दो, जमा करा दो. तो मैं जब फ्रांस गया पढ़ने के लिए मास्टर स्टडीज में, तो वहाँ भी मैंने उन कितास, एक डिजाइन में कितास, आपके कातिया, सॉरी आपका ना इंस्टीट्यूट का नाम कातिया, एक सॉफ्टवेयर, उसके बाद प्रो इंजीनियर भी आया, वो फ्रेंच ने लॉन्च किया था, और वो एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस में डिज़ाइन के लिए यूज़ होता था, जो बाद में अदर फील्ड्स में भी आया. तो मुझे मेरे टीचर ने एक प्रोजेक्ट दिया एयरबस A340 का लैंडिंग गेट डिज़ाइन करने का. तो उसमें भी मैंने यही टेक्निक यूज़ की. अब उससे पहले मैंने कभी उस कातिया को यूज़ ही नहीं किया हुआ था, और विद इन फ्यू डेज मैंने उसको डिज़ाइन करके दे दिया. तो ही वॉज शॉक्ड कि इतनी जल्दी.
तो वो लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस जो है वो उसकी बात ही है, और फिर आपको याद रहता है, फिर याद है, वो नहीं बोल सकते, फिर आप भूल नहीं सकते क्योंकि आपने उसमें स्ट्रगल की होती है जी। डॉक्टर साहब इस चीज को आप भी अप्लाई करते हैं मुझे पता है। मैं करता हूँ, पर्सनल लाइफ में मैंने बड़ा किया हुआ है, लेकिन मैं आजकल अपने यंग स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि हाउ सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस इज इम्पोर्टेंट। हाउ डेविड गोल्डमैन ने जो किताब लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस पे, इसकी पूरी हिस्ट्री है। और आजकल फिनलैंड में हर जगह पे बच्चों पे ये सिखाया जाता है कि टीम बिल्डिंग, टीम वर्किंग, वर्किंग टुगेदर, डूइंग प्रोजेक्ट्स, नॉट जस्ट रीडिंग अपने कमरे में बैठ के, सारे साथ साथ मिलकर काम। हमने पाकिस्तान में एक PhD भी करवाई है इसके ऊपर, आईटी में PhD करवाई, इमोशनल इंटेलिजेंस। वेरी गुड, कहाँ पे, कौन सी यूनिवर्सिटी? NCBI में, नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स। और मैंने ही उस स्टूडेंट को कहा था कि तुम इस पे काम करो, वो साइकोलॉजी का कम्बिनेशन बना के। वेरी गुड, हमारे पास बहुत सी साइकोलॉजी की चीज होते हैं जो वो सारे टेस्ट बाहर से ले आते हैं, बिल्कुल खुद नहीं डिजाइन करते, खुद डिजाइन नहीं करते। ये बड़ी, मैंने पूछा ऐसी क्या बात है, कहेंगे हमारे प्रोफेसर मानते नहीं है, टेस्ट हमारे जो है टेस्ट नहीं होते, लोकल बनाते हैं, तो वो टेस्ट नहीं होंगे हर तरह से, सबसे आसान है बाहर के ले लो। हालांकि हमारे मसाइल और हैं। ये मैंने एक बना के दिया था, बल्कि एक स्टूडेंट को ना, जो आप इशू की बात कर रहे हैं, तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा इशू क्या आपका, उसकी पहले जब तक आप पायलटिंग नहीं करेंगे, उसकी रिलायबिलिटी आप नहीं चेक करेंगे, ये तो वो टेस्ट आपका वेरीफाई नहीं होगा। वेरीफाई करना उसको ज़रूरी है, तो आप उसकी पायलटिंग करें, वेरीफाई करें और फिर उसको यूज़ करें, वो दूसरों के काम भी आएगा। कहते हैं जी वो बहुत आसान है, बाहर से मिल गया। मैंने कहा यही हालत हमारी हो गई ना इंडस्ट्री की भी। जिस जमाने मेरी पोस्टिंग गुजरात में थी, तो मैंने ये वादा किया था कि वहाँ पे मैं इंडस्ट्री को प्रमोट करूँगा यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने एक वुड फैक्ट्री बनाई थी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर वुड वर्किंग सिखाया जाता था फाइन आर्ट्स के साथ साथ। तो वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल स्टेट है गुजरात, कंपनी डेवलप किया था, वो था सिरामिक्स और वुड वर्किंग, फर्नीचर, सिरामिक्स फर्नीचर एंड कटलरी का था, कुछ सियालकोट में था, कुछ गुजरात में फैन मेकिंग। तो बाद में पता लगा कि वो सारी चीज़ें चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं, सिरामिक भी चाइना से इम्पोर्ट हो रही है। तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं, बड़ा आसान है, बगैर किसी हैसल के वहाँ से मंगाते भेज देते हैं। यहाँ पे गैस नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, फैक्ट्री वाली चलती नहीं है। लेकिन किसी ज़माने में हमारा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था। हाँ, बहुत बड़ा, ज़मीन अभी भी ऐसी है, उनके पास ज़मीन है, पूरी कैंपस बना हुआ है, सिरामिक्स की इंडस्ट्री कैंपस बना हुआ, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होता। कल जी अब गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती, वर्कर नहीं मिलते, गवर्नमेंट की तनख्वाह जो होती है उस पर चलता नहीं है, तो सारे लोग वहाँ बाहर से मंगा के भेज देते। तो यही चीज़ हमने एजुकेशन भी करनी है, हमें लोकल सिस्टम को डेवलप करना है। ठीक है, बाहर से लर्न करें आप, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, उसका इस्तेमाल करें ना कम से कम। वो इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, कहते वो भी बाहर वालों को देते, वही ऑनलाइन बना के पढ़ा के दे देंगे आप। जब तक ब्लेंडेड लर्निंग आप नहीं करेंगे, कुछ ऑनलाइन हो, कुछ आप सिखाएं उनको, तब जाके ग्रूमिंग सच्चे बारे में हो सकती है। तो अभी भी हम किताब में, अभी तुम्हारा दूसरा ही साल है, इंशाल्लाह किताब में हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को देंगे हर फील्ड। जो सिरामिक का आपने बात की, जब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था तो उस ज़माने में टोया नास्टिक बड़ा मशहूर हुआ था, अभी भी है लेकिन उस तरह पॉपुलर नहीं है, उसको उस तरह आगे उन्होंने फिर गाड़ियों के शीशे भी बनाने शुरू कर दिए थे। उस वक्त एक रेवोल्यूशन एक तरफ मैं देख रहा था आ रहा है कि सिरामिक्स में मुख्तलिफ जगह प्लांट लगना शुरू हो गए, लेकिन बाद में फिर उसको जो है ना हमने उस तरह आगे लेके नहीं गए, जिस तरह हमारी हर कोई आज सुबह भी हम जिक्र कर रहे थे कि पहले 20 साल में हम बहुत ज़बरदस्त थे, फिर उसके बाद मेरे अपने ऑफिस में लाहौर बैठा होता था, मेरा ऑफिस था गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे इंडोनेशियन, साउथ कोरियन, ईरानियन मेरे पास आते थे सीखने के लिए, बताएं कैसे आपने 5-year डेवलपमेंट प्लान बनाया। बिल्कुल, तो उस जमाने में हमारे डेवलपमेंट प्लान बड़े मशहूर, बहुत मशहूर, और हमारी स्ट्रेटजी सारी मशहूर थी। अब वो चाइनीज प्रेसिडेंट ने आके बीको का विजिट किया था और इसी मॉडल को उन्होंने ले जाके कॉपी किया। राइट राइट, तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हम हमारे पास चीज़ें थीं, और मुझे मतलब मैं जब इसको स्टडी किया तो आई वाज शॉक कि उस ज़माने में लेथ मशीनें, मुख्तलिफ मशीन्स एक्सपोर्ट कर रहे थे। लाइट इंजीनियरिंग की हम काफ़ी सारी चीज़ें बना के एक्सपोर्ट कर रहे, लेकिन बाद में हम जो है ना वो इम्पोर्ट की तरफ चले गए।
अब बात हो रही है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें ताकि हम अपना एक्सपोर्ट जो पैसे भेज रहे हैं बाहर बाहर के वो कम हो जाए, कभी उससे काम हुआ नहीं सही। अच्छा, इसकी जो आप लोग बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से अपनी एक न्यू इनोवेशन शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे बस कुछ हेल्थ के ट्रांजिशन ऐसे आए ज़िंदगी में, स्पेशली माय प्रेगनेंसी टाइम, तो मेरे बाल बहुत गिरने शुरू हुए और गिरते गिरते ऐसे कि सर दिखने लगा। मैं परेशान कि क्या करूँ, एंड कभी टेक केयर नहीं की, कुछ नहीं, बट वो बहुत जब एक्सट्रीम हो गया तो आई स्टार्टेड रीडिंग सम इंग्रेडिएंट्स और मैंने ना एक ऑयल बनाया, हेयर ऑयल। आई स्टार्टेड यूजिंग इट बट लाइफ अगेन सो बिजी, मैं अपने आप को कभी आईने में नहीं देखा। लगा रही थी। एक दिन व्हेन आई वेंट फॉर हेयर कट इन सलोन एंड आई वाज लाइक ये क्या खड़ा हुआ है, तो वो कहती है बेबी हेयर एंड आई वाज लाइक, जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा मेरे कितने बाल। फिर उसके ऊपर मैंने रिसर्च की, फिर मैंने ये सोशल मीडिया पे शेयर किया तो पता चला भाई हेयर फॉल तो इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है। तो मुझे इतनी कॉल्स आनी शुरू हुई कि अब शिकागो जाके मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ और मैंने उसके एक एक इंग्रेडिएंट पे रिसर्च किया। तो यू वोंट बिलीव कि अल्लाह ताला ने हमारे दुनिया में इतनी स्पाइसेस, हर्ब्स और चीज़ें ऐसी अफादियत के साथ दी हैं। इट्स जस्ट अगेन एजुकेशन दैट यू हैव टू स्टडी। अच्छा, जिस वक्त मैंने बनाया तो मैंने ऐसे स्टडी नहीं किया था, बस एक दिमाग का इस्तेमाल किया, आपको बेसिक कॉमन चीज़ें पता हैं, आपने कर डाली। मगर वो कब कन्वर्ट होके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, आप यकीन करें इतने मेरे जानने, इवन अभी माय हस्बैंड कॉल्ड मी यस्टरडे, मेरे रेस्टोरेंट से वो सेल हो रहा है इस वक्त, ही सेड के राहिला समबडी केम एंड सेड के मेरे हस्बैंड ने ये थर्ड बॉटल मंगाई है। अब मुझे लोगों के हेयर फॉल होने बंद हो गए। तो क्या है, व्हेन यू हैव एजुकेशन इट्स अ बिगेस्ट टूल, यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन इनोवेट। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आई विल एंटर इनटू दिस लाइन, प्रोडक्ट लाइन। तो मैंने स्किन का प्रोडक्ट भी बना डाला, इतने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, मुलाजमा की, आई मेड माय ओन प्रोडक्ट, आई मेड माय। सो क्या है, एजुकेशन एक ऐसा टूल है कि आज मेरी जिंदगी का टोटल डायरेक्शन बदल गया है कि आई एम गोइंग टू लॉन्च माय प्रोडक्ट, यू नो। सो इसलिए मैं चाहती हूँ स्पेशली लड़कियों को कि वो ये सब कमाल है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्फिडेंस आउट ऑफ द बॉक्स जो ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अपने स्कूल में कर रहे हैं, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगी तो फिर दोबारा एक सेशन इंशाल्लाह, और ये एंटरप्रेन्योरशिप पे रखेंगे जो आप एंटरप्रेन्योरशिप वाला काम करें। इसमें तो बहुत टॉपिक है मेरे पास, आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो एंड पे सिर्फ एक ही बात जो डॉक्टर हिला ने भी की, डॉक्टर निज़ाम ने भी की, कि अगर हमने ठीक होना है, अपनी चीज़ों को ठीक करना है और दुनिया में अपना नाम बनाना है, तो हमें एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा। बगैर एजुकेशन पर फोकस किए हुए हमारी कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।